अंतरिक्ष में व्याप्त दिव्य तरंगों की भांति सर्वथा निर्विकार हूं। दिव्य तरंगों के स्पर्श मात्र से मैं ब्रह्मांड की गतिविधियों का ज्ञान रखने में समर्थ हूं। माता वीरणी का स्नेह पक्ष, सहेलियों का समर्थन तथा शिव शंकर की स्वीकृति के पश्चात भी दक्ष ने अपना हठ नहीं त्यागा तो स्वयं ब्रह्मा को दक्ष प्रजापति के सम्मुख आना पड़ा। शिव का आश्वासन पाकर सती आश्वस्त थी, किंतु दक्ष की अनुमति के लिए ब्रह्मा जी को प्रयत्न करना पड़ा और वे इस प्रयास में सफल हुए। नारद भी ब्रह्मा के मुख से यह मंगलमय संदेश सुनकर हर्षित हुए। रोहिणी ने जब यह हर्षपूर्ण सूचना सती को सुनाई तो मारे हर्ष की उसकी आंखें भर आई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के आदेशानुसार नारद सती शिव विवाह के लिए निमंत्रण देने सर्वप्रथम भगवान विष्णु के पास गए। दक्ष महल और कैलाश में विवाह की औपचारिकताएं आरंभ हुई। देवी देवता अप्सराएं सखियां सभी इस मंगलमय अवसर पर तन और मन से नृत्य करने लगे। उधर दक्ष महल में माता वीरणी वधु बनी सती की शोभा का बखान करती है और प्रजापति दक्ष के क्रोध को शांत करती है। चारों ओर दिव्य संगीत के स्वर मुखरित हो उठे। इस शुभ बेला में ज्ञान भक्ति और वैराग्य के त्रिवेणी स्थल सदा शिव भी मुस्कुरा उठे। त्रिपुरारी, वर वेश में तो आप इतने मोहक लग रहे हैं कि भ्राता दक्ष की अन्य कन्याओं को देवी सती के भाग्य से ईर्ष्या होने लगेगी। दक्ष प्रजापति के भ्राता होने के नाते आपको उनके अन्य कन्याओं की चिंता भी अधिक रहती है। नारायण नारायण, वो क्या है प्रभु, मैं और परमपिता ब्रह्मा वर और वधु दोनों ही पक्षों से संबंधित हैं, इसीलिए एक पांव यहाँ और एक पांव वहां। श्रीहरि, यदि कुपित न हो तो एक प्रश्न पूछूं। नारद, भक्तों से कुपित होने का तात्पर्य है हमसे हमारे भक्त वत्सल संबोधन का छिन जाना। कहो, क्या कहना चाहते हो? प्रभु, आज महेश्वर भी अपना योगी रूप त्याग कर सांसारिक बनने की दिशा में उन्मुख हैं। श्रीहरि, आपको सांसारिक रूप में देखने के लिए देवी महालक्ष्मी को और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी? नारद, हर घटना का पता हमसे अधिक ब्रह्मा जी को रहता है, आप इन्हीं से पूछिए। अवश्य प्रभु, अवश्य। परमपिता ब्रह्मा, कृपया ये बताएं, निकट भविष्य में किसका विवाह होगा, कौन वर होगा, कौन वधु? पुत्र नारद, जो हो रहा है उसे देखो और आनंदित रहो। तुम भविष्य की चिंता में उलझकर इस सत्य और सुंदर वर्तमान के सुखद क्षणों को मत गवाओ। किंतु पिताश्री। पुत्र, भावी घटना के विषय में किसी को बताना विधि के विधान के विरुद्ध है। उचित है पिताश्री। नारद, कदाचित आपको यह ज्ञात नहीं कि किसी के विवाह पर किसी अन्य विवाह की चर्चा करना नीति के विरुद्ध है। श्री हरि, इस अज्ञानी को क्षमा करें। नारायण नारायण। पुत्र नारद, बारात से पहले हमारा दक्ष महल पहुंचना आवश्यक है। जामाता के नाते आज हमें शिव शंकर का स्वागत करने का पुण्य अवसर भी प्राप्त हो। जो आपकी आज्ञा पिताश्री। शुभ घड़ी बीती जा रही है, आइए प्रस्थान करें। जय शिव शंभु। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले।
महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हम बम भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बधाई हो महाराज दक्ष प्रजापति, पुत्री सती के वधू बनने की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज राजा दक्ष का वो स्वप्न पूरा हुआ है जो किसी कन्या के जन्म के साथ माता पिता के नायनों में जन्म लेता है। महाराज जी ने अपनी कन्या के लिए वर चुना भी तो कैसा, जिसका तीनों लोकों में कोई पर्याय नहीं, अति सुंदर, मनहर, निर्मल, निश्चल, भोले शंकर। सती के पति के रूप में उन्हें पाकर आपका जीवन यथार्थ में पावन हो गया राजन। आपके मन की गति इस समय स्थिर ही नहीं होगी। हाँ, हमारे मन की गति इस समय स्थिर नहीं है श्रीमान। किसी को कुछ भी उसकी अपेक्षा के विपरीत यदि मिल जाए तो उसके मन की गति स्थिर रह भी नहीं सकती। पुत्री को योग्य वर मिल जाए, उसका जीवन मन भावन पति के संग हर्षोल्लास से व्यतीत हो, हर माता पिता की यही कामना होती है राजन। नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो। प्रणाम भ्राता दक्ष। प्रणाम। नारद जी, हम तो समझे थे कि आप वर की ओर से विवाह में सम्मिलित होंगे। नारायण नारायण। भ्राता दक्ष, मैं पिता की आज्ञाकारी संतान हूँ। जब पिताश्री शिव जी के साथी होने के नाते वर यात्रा की निकासी में गए तो मैं इनके पीछे पीछे चला गया, और अब आपके पिताश्री होने के नाते बारात के स्वागत हेतु जब यहाँ पधारे तो मैं इनके साथ यहाँ चला आया। परंतु जिस समय बारात यहाँ होगी उस समय किस और रहोगे नारद जी? नारायण नारायण। पिताश्री पिताश्री, बारात आ गई है। पधारिए पधारिए भ्राताश्री, पधारिए। क्या ये वही शिव है जो भभूत रमाए नंग धड़ंग पागंबर पर बैठा कैलाश पर योग साधता रहता है? अरे तो किसी राजकुमार जैसा प्रतीत हो रहा है। ये सब कैसे हो गया? अगर शिव और राजकुमार। नारायण नारायण। भ्राताश्री किस सोच में पड़ गए? अभी तो आपने प्रभु का वो रूप देखा ही नहीं जिसके दर्शन पाकर आप धन्य हो जाओगे। नारायण नारायण। पंचमुखी शंकर, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? भ्राता दक्ष, आपका मुख श्वेत कणों से भर उठा है, आप भयभीत से लग रहे हैं। नारद, अति सुंदर है। आप कुछ कहना चाहते हैं? वो नारायण नारायण। नारद हो? नारायण नारायण। शिव लीला के चमत्कारों से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं भ्राता दक्ष। आपके जमाता शिव ही नहीं सत्य और सुंदर भी है, और इसी सगुण रूप में वो दर्शन देते रहेंगे। नारद।
आइए पधारिए। सती बारात आ गई है। बारात आ गई है। मैं अभी अभी शिव शंकर भोलेनाथ को वर के रूप में देखकर आ रही हूँ। सती, तू जब शिव शंकर का बखान करती थी तो हमें विश्वास ही नहीं होता था, परंतु आज देखा तो लगा तू कितनी सौभाग्यशालिनी है। अच्छा, पर ये तो बता, वर राजा हैं कैसे? उनके रूप स्वरूप का वर्णन शब्दों में करना अत्यंत कठिन है, पर जो देखा सो ये कि जिन्होंने हमारी भुवन मोहिनी सती का चित चुराया है वो कर्पूर गौर वर्णीय है। ऐसे विशाल सरस नेत्रों वाले हैं कि जिसमें संसार भर का प्रेम और करुणा निहित है। उनकी मंद मंद स्मित पल्लवित पुष्पों के समान सुवासित है और उनका संपूर्ण अस्तित्व हमारी प्रिय सती का वर्णन करने को आतुर है। सौभाग्य आकांक्षिणी सती को विवाह मंडप में बुलवाइए। जो आज्ञा पिताश्री। महारानी, बेटी सती, अब वो क्षण आ गया है जिस क्षण भाग्यशालिनी सौभाग्यशालिनी बन जाती है। आओ बेटी। शुभ हाथों से यह सौभाग्य सिंदूर सती की मांग में भरकर इसे सौभाग्यवती बनने का दिव्य रूप भी दे दीजिए।
सती का ये मिलन मंगलमय हो। बोलो शिव सती की जय। शिव सती की जय। शिव सती की जय। श्रीहरी, यू टकटकी बांधे क्या देख रहे हो प्रभु? देख रहा हूँ शिव सती की एक रूपता को, जो चिरंतन है, शाश्वत है।